जू सोने में सुहागा वैसे भाई बहन का प्यार कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेरेक्टोमी, रसौली, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट पित्त की थैली, हर्निया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं दूरबीन विधि द्वारा। 24 घंटे एक्सरे की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से लैस समय हॉस्पिटल, गिरिराज पेट्रोल पंप के पास, रामबाग, आगरा। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पराम गंगा विहार कॉलोनी आगरा, प्ले ग्रुप से 8 क्लास तक सभी एयर क्लास रूम की सुविधा, जहां सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा। इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्ले वे मेथड की सुविधा। हमारे यहां पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही, चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम गंगा विहार कॉलोनी आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 1 से 7 सितंबर पर्यंत तक चलने वाली भागवत कथा रसदृष्टि का कलश यात्रा का कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में रखा गया है और ये बड़ा ही पवित्र स्थल है श्री संकट मोचन हनुमान जी मंदिर क्लासिक आयोगी के सामने। इसमें ये बड़ा ही सुंदर अवसर हम और आपको प्राप्त हो रहा है क्योंकि हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा है और आज शनिवार का दिन है। बड़ा ही सुंदर ये कार्यक्रम है और पूर्व 1 वर्ष पहले भी यहाँ पर यह कार्यक्रम हुआ था जिसमें आपके चैनल के ही संस्थापक करतार सिंह बघेल जी परिचित बने थे, लेकिन इस बार हनुमान जी विशेष रूप से परिचित बन करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और यहाँ हनुमान जी विराजमान है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे कथा में ज़्यादा से ज़्यादा आने के लिए? देखिए, लोगों से ये कहना चाहेंगे आज के टाइम पर, देखिए धन का दान तो हर कोई कर देता है, घर में बैठ के हम धन किसी को भी दे सकते हैं, दे दिया गया पंडित जी ले जाइए पूजा कर दीजिएगा, लेकिन वो दान दान नहीं होता है। आज के समय की तुलना को देखते हुए आज का यदि सबसे बड़ा कोई दान है तो वो है समय का दान, क्योंकि तो आज के व्यक्ति पर समय नहीं है, लेकिन हो सके जितना तो व्यक्ति समय का दान दे और समय का ध्यान देकर भगवान की कथा में आए, भगवान के मंदिर में, धामों में जाए और अपने जीवन को कल। आज की पंडित योगेश प्रकाश भरद्वाज जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का आज मंदिर में भगवत का शुभारम्भ और पंडित श्री लोकेश कृष्ण शास्त्री जी द्वारा वृंदावन द्वारा यहाँ पे आज कलश यात्रा का प्रोग्राम बड़ी उत्साह के साथ संपन्न हुआ। काफ़ी औरतों ने और आदमियों ने बड़े चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लिया और ये बहुत प्राचीन मंदिर है श्री संकट मोचन हनुमान जी का जो यहाँ पे क्लाक्षी जज के सामने आप देख रहे हैं। आज शनिवार का दिन है, सबसे बड़ा दिन ये है कि शनिवार का दिन है और जन्माष्टमी भी साथ में नज़दीक है, तो आज जो हमारी कलश यात्रा सुबह निकाली गई उसमें तो काफ़ी लोगों ने भर चढ़ के बड़ा हिस्सा लिया है। कितने कलश महिलाओं द्वारा उठाए गए और लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो कथा में जुड़े अधिक से? हम ये कहना चाहेंगे कि जो कलश यहाँ पर उठाए गए लोगों ने उठाए कलश की तो हम गिनती बता सकते हैं कि लोग घर से भी लेके आए, कुछ हम भी लेके आए और यहाँ पर एक तरह का एक हम लेडीज़ कलश उठा, उन्होंने ये संकल्प किया कि हम 7 दिन यहाँ रह के जो हमने कलश उठाए इनको भागवत सुनेंगे। हमको कलश लाने का मेन मतलब ये होता है कि कलश आपने यहाँ रखे तो 7 दिन हम भागवत सुनने के हम आतुर हो गए कि हमें 7 दिन तक भागवत सुननी है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे कथा में अधिक से अधिक जुड़ने के लिए? हम ये लोगों से ये अनुरोध है कि शनिवार का दिन है, आज तो लोग कथा सुनने आएंगे और भी लोगों आसपास के जितने लोग हैं, ये मिलिट्री क्षेत्र छावनी क्षेत्र है तो उससे अधिक से अधिक लोगों में यहाँ आनंद है। पंडित श्री कृष्ण लोकेश्वर शास्त्री द्वारा वृंदावन से जो आए हुए हैं
उनसे इस चीज़ का रिस्पॉन्स कराएं। बहुत ही अच्छे भक्ता हैं ये भागवत आचार्य के। जी आज मंदिर में किस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज भागवत का कार्यक्रम चालू हो रहा है सर जी। कलश यात्रा है आज, क्या रहा कलश? हाँ, कलश यात्रा की लोगों से क्या कहना चाहेंगे? ये कलश यात्रा का महत्व होता है भागवत में सबसे पहले, उसके बाद में भागवत चालू होती है जी। अधिक से अधिक कथा में जुड़ने के लिए लोगों को क्या आह्वान करना चाहिए? नोबल आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ा गाँव शमशाबाद आगरा 2017-18 सत्र में 10th क्लास के 100% रिजल्ट के साथ फतेहाबाद तहसील का पहला CBSE एफिलेटेड 10+2 स्कूल, जहां आपके हुनरों को गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर दिया जाता है जो प्ले ग्रुप से 12th क्लास तक सभी क्लासरूम की सुविधा, जहाँ CCTV कैमरा, फायर अलार्म सिस्टम, ऑटो अलार्म सिस्टम, SMS एंड कॉल फैसिलिटीज के साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा, इसके साथ ही नर्सरी व KG क्लास के लिए प्ले वे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, म्यूजिक क्लासरूम, शूटिंग रेंज व पार्किंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के खेलने के लिए हरे भरे मैदान के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए GPS सिस्टम के साथ ही बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही, चले आइए ग्लोबल आगरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ा गाँव शमशाबाद आगरा। मोबाइल नंबर 8868046912 और 9953096007। घर को बनाना है खास तो चले आइए कोयल पेंट के पास। दीपावली पर दीवारों को सजाना है, कमरों को आकर्षित बनाना है, घर में मेहमान आए तो बोले कहाँ से कराया पेंट, कौन सा पेंट, कैसे चमक रही है दीवारें, वाह क्या खूबसूरत वॉलपेपर है, ये कर्टन कहाँ से लाए हो। ग्राहकों के लिए विश्वास का दूसरा नाम बन चुके कोयल पेंट ने 40 सालों में लाखों घर सजाए हैं, वो भी काफी कम दामों पर। तो जल्दी करें और सीधे चले आएं कोयल पेंट, सुल्तानगंज के पुलिया, बाईपास रोड, आगरा पर। निदेशक मुरारी लाल कोयल, मोबाइल नंबर 9897135351।